योगी चित्रा हमारे साथ जुड़ रही है और आपके साथ तमाम किसान हैं, उनसे पूछिए वो किस तरह से देख रहे हैं बजट। देखिए अंजना, नोएडा के छपरौली गांव में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, बहुत कड़ी धूप है और मेरे पीछे आप मक्के की खेती भी देख रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या बारिश की फुहारें थोड़ी बजट के जरिए आई हैं या इसी तरह का सूखा इस वक्त देखने को मिल रहा है? लेकिन सरकार की ओर से आज के इस बजट में किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, जब 1.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया और इसी के साथ ही दलहन और तिलहन के खेतों को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती पर जोर यहां पर काफी ज्यादा दिया गया है। राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता, और इसी के साथ बहुत सारे किसान भी हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि सरकार की ओर से आज जो किसानों के लिए बजट का आवंटन किया गया है, ये क्या इनके लिए कुछ मीठा हो जाने वाली स्थिति है या फिर खट्टा ही रहा और नमकीन ही रहा? कैसा लगा आज का ये जो 3.0 का मोदी सरकार का बजट रहा? राकेश जी, ये दिल्ली के कागजों में तो ठीक लगेगा दिल्ली वालों को तो, लेकिन गाँव में इसका कुछ वो नहीं मिलेगा, गाँव में कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। क्यों, क्या उम्मीद कर रहे थे जो बजट में पूरा देखो, नहीं हुआ? बजट में ये इन्होंने जैसे ये कहा कि हम दालों को बढ़ावा देंगे, दाल तो किसान तो उत्पादन करता है, उसकी खरीद कौन करता है? उत्पादन ज्यादा हुआ, खरीद उसकी होती नहीं, किसान तो ऐसे ही तो मरता है ना कि उसकी खरीद नहीं होती, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये जो 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का दिया है, ये बहुत मद में जाएगा, नाम किसान के लिख दिया, लेकिन वो उसके सेक्टर बहुत होंगे, वो डेवलपमेंट में जाएगा, वो कौन सा डेवलपमेंट करेंगे, वो रिसर्च तो में, रिसर्च में जाएगा, ही तो लेकर जाया जाएगा ना। वित्त मंत्री की ओर से यही ऐलान किया गया है कि किसानों के हित में उनकी उत्पादकता कैसे बढ़े, उनके जेब में और ज्यादा पैसे कैसे आए, उसके लिए ये उत्पादन बढ़ेगा भाव देने से। आप भाव दे दो, उत्पादन कितना इनको चाहिए हम वो करके दे देंगे इनको। ये किसान क्रेडिट कार्ड, इन्होंने कहा कि 5 राज्यों में हम किसान क्रेडिट कार्ड वो देंगे, भाई उसका लाभ जब होगा जब वो 1% इंटरेस्ट पर देंगे जी, आप 1% पे दो ना उसको, वो 11% पे किसान को देते हैं, 11% तक उसका जाता है, अगर आदमी थोड़ा सा भी लेट होगा उसका 2 दिन तो 11% पे उसका हो जाएगा। इसका फायदा सीधा जब होगा, ये कहे कि हम हर खेत को फ्री पानी देंगे, तो कम से कम पानी किसान को मिल गया, वो ट्वेल का हो या रजभाई का हो, किसी भी चीज का हो। जो बड़ी बातें कही गई हैं, जल्दी से मैं उसका जिक्र कर देती हूं, आप भी लगातार सुन रहे थे। यहां पर कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और अनुकूलता बढ़ाने के लिए देखिए किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी, इसका ऐलान किया गया है। फिर देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार का पूरा जोर है। एक तरफ ये फर्टिलाइजर की बात करते हैं, एक तरफ वो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात करते हैं, सरकार कौन सी स्कीम पर काम कर रही, ये नैनो यूरिया जाते हैं, ये प्राइवेट कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसको 2 रुपया देने के लिए किसानों को जबरदस्ती तो कह लगे ये जरूर लेना पड़ेगा जो काम करता ही नहीं। प्राकृतिक खेती तो दे देगा ना, आप ऑर्गेनिक मार्केट आप खोल लो जी, बढ़ावा मिल जाएगा उससे। किसान बहुत लोग जो हैं वे अपने आप खुद ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती वो कर रहे हैं, लेकिन उसको मार्केट कुछ भी पसंद नहीं आया, मतलब जब आया ही नहीं। अच्छा झूठी बात कर रहा हूँ, गरीब युवा अन्नदाता और महिला पर सबसे ज्यादा जोर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कौन सी महिला में दिया, बिल्कुल कुछ भी। जो महिलाएं दूध का काम करती होगा ना, महिलाएं दूध का काम करती है, क्या उनके लिए कुछ है? क्या पशु जो पालन का काम करती है, जिनके पास में जमीन भी नहीं है वे पशु पालने का काम करती है, 20 रुपया लीटर दूध के रेट कम हो गए। पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए, झीना उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी इस बजट दिल्ली के कागजों में बहुत बढ़िया है, लिखत पढ़त में बहुत बढ़िया है, गांव में इसका कोई असर नहीं जाएगा। आप वो कौन सी उम्मीद कर रहे थे जो आज सरकार की ओर से पूरा नहीं? सरकार का ये था कि दूध पे कुछ होना चाहिए, जो दूध उत्पादन पे जो महिलाएं काम करती है, बहुत लोग वे हैं कि जिनके पास में जमीन नहीं है, दूसरे के खेत से वो लेकर आते हैं, चारे का इंतजाम करते हैं, उन पे आना चाहिए। किसानों को फ्री कुछ चीज मिल जाए, या उसको आप MSP गारंटी कानून दे दो ना, आप गारंटी कानून दे दो, उस पे वो कोई बात नहीं करेंगे। सारा फोकस इसी पे है कि MSP गारंटी कानून। अच्छा सस्ते में वो हो जाता तो फिर सस्ते में फसलें बिकने लग रही तो वो ठीक लगता है। ये कहते हैं हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन तो किसान बढ़ा देगा, आप उसको रेट तो दे दो,
वो किसान बढ़ा देगा, उसको आप रेट दे दो। रेट आप दोगे नहीं, कागजों में उत्पादन बढ़ाने की बात करोगे, उत्पादन तो किसान बढ़ाता है, सरकार थोड़ा बढ़ाती है। यहाँ पर और जो बड़ी बातें कही गई हैं, उन्होंने कहा कि देखिए खेती में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपोर्ट की बकायदा निगरानी की जाएगी, जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा दिया जाएगा, नेचुरल फार्मिंग से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगले एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा, दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन स्टोरेज और मार्केटिंग पर भी फोकस है। आप जो कह रहे हैं कि किसानों को दाल मिले, उस पर फोकस तो किया जा रहा है, स्टोरेज को लेकर, मार्केटिंग को लेकर, उनको उचित दाम मिले इसको लेकर व्यवस्था की जा रही है। मार्केटिंग को बढ़ाएंगे, उसको बढ़ाएंगे तो लाभ किसको होगा? व्यापारी को। किसान को सीधा लाभ आप क्या दे रहे हो? आप दालें किसान उत्पादन करता है, क्या MSP पर दालें बिकती है? दालों का प्रोडक्शन इसलिए कम हुआ कि उसकी खरीद नहीं हुई, तेल का, सरसों का, दलहन का इसलिए उत्पादन कम हुआ कि खरीद नहीं होती उसकी। और उत्पादन कैसे बढ़ेगा तो किसान बताएगा। यहाँ पे हम दालों का उत्पादन करते हैं, जब बजट तैयार किया जाता है तो उस समय तमाम एक्सपर्ट की राय ली जाती है, उसके आधार पर तैयार किया जाता है, सरकार की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है, उसमें किसान मामलों के भी तमाम एक्सपर्ट रहते हैं। अब आप बता दीजिए कौन सी उम्मीदें आपकी पूरी नहीं हुई है? MSP पर गारंटी की मांग लगातार आप लोगों की ओर से एक ही डिमांड तो पैसा दुआएगी ना किसान को, बोले किसान को पैसा ना मिले और सारी चीज दिल्ली के कागजों में बढ़िया बजट लगे, किसान को पैसा ना मिले, प्लानिंग ये बन रही है पूरी। भाई MSP गारंटी कानून ये है कि जो सरकार ने रेट तय कर दिया उसके कम पे खरीद नहीं होगी, या तो सरकार खरीद कर ले, सरकार करेगी नहीं, उस पे सरकार कानून भी नहीं बनाएगी कि व्यापारी भी उस रेट पे खरीद कर ले, वो भी नहीं बनाएगी। आप बड़े गौर से बजट को सुन रहे थे, क्या हर जगह आपको गड़बड़ ही गड़बड़ दिखाई दी है? मतलब सरकार ने आपके हिसाब से राकेश टिकैत के अनुसार कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की जिससे किसानों को राहत मिले, फायदा हो सके, क्योंकि सरकार की ओर से बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बहुत बड़ी आबादी को, जो हमारे अन्नदाता है, उनको फायदा देने वाला ये बजट है। गांव के लोगों को बिजली पे बड़ा खर्च पड़ता है, सोलर पे कुछ उन्होंने दी है कि कितनी छूट देंगे, बिल्कुल हमने बार बार कहा कि सोलर पे आप छूट दो, जो नेचुरल एनर्जी है हम उसका इस्तेमाल कर सके, वो सीधा डायरेक्ट प्रॉफिट देगा, उसमें किसान भी नहीं है, गांव के रहने वाले हर आदमी है। और हमको जंगल काट के बिजली नहीं बनानी चाहिए, जैसे छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल काट कर हम कोला माइनिंग करवा रहे, बिजली बना रहे, नेचुरल एनर्जी हमारे पास में है, हम इसका इस्तेमाल करें, ज्यादा इस पर हमको फोकस रखना चाहिए। जो किसान जो उत्पादन करता है, जो गांव में लोग रहते हैं, उसको आप एजुकेशन पे आप हेल्प करो, उसकी आप हेल्थ पे हेल्प करो, ये नहीं खाली कि आप फसल का ही नाम ले रहे, आप हेल्थ पे उसकी क्या हेल्प करोगे? लेकिन लगातार जब आप लोगों की ओर से पहले भी मुद्दे को उठाया जाता रहा है तो सरकार की ओर से दावा किया जाता था सिर्फ राकेश टिकैत या कुछ एक समूहों के किसानों की परेशानी अलग, क्योंकि इतना बड़ा देश है और पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चाहे बड़े किसान हो या मझोले हो या जो छोटे किसान जो छोटे छोटे हिस्सों में खेती करते हैं, उन सभी के लिए राकेश टिकैत जी ये व्यवस्था की गई है। हम तो कह रहे ना कि आप करो ना, यहाँ बोलने की आजादी है किसको? भाई किसान बोल सकता है क्या? आप गुजरात में जाकर देखो ना, जो उनसे गुजरात मॉडल की बात करते हैं, बैठ कर आप नोएडा में ही पूरा बोल रहे हैं, थोड़े दूर पे बजट पेश किया गया है, आपने बुलवा दिया, आपके चैनल का धन्यवाद है, लेकिन आम लोगों को बोलने की आजादी कहाँ है? दबा सकता है राकेश टिकैत जी? भाई हमारी तो आवाज किसान की आवाज है, चलो हम बोल दिए, आपने हमको बुलवा लिया, आपका धन्यवाद है, जो चैनल हमारी बात उठा देते हैं, हम किसान की बात उठाते हैं, लेकिन यहाँ बोलने की आजादी नहीं है। आप गांव में देखो, हमको हेल्थ पे काम करना चाहिए, गांव में हमको एजुकेशन पे काम करना चाहिए, उसके लिए कोई बजट है? उसके लिए दिया है क्या? दो तरह की एजुकेशन देश में होगी, एक जो गांव में पढ़ाई करते हैं, एक जो शहर में पढ़ाई करते हैं। शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई है उसमें? कहाँ करी गई? आप जाओ ना, कृषि को लेकर यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, गांव में जाओ ना, ये एजुकेशन और हेल्थ भी कृषि से ही जुड़ा हुआ सब, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि जो ग्रामीण आबादी है वहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए और अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए, उसके लिए बजट में आवंटन किया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक पारंपरिक खेती और इसके अलावा सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर, सोयाबीन जैसी फसलों पर भी किया गया है और इसके लिए भी अलग से। राजस्थान का किसान और यहाँ का किसान सरसों को लेकर फिरता रहता है, उसका MSP पर तो खरीद होती थी, तेल महंगा, सरसों सस्ती, जब फसल आती है तो रेट डाउन होते हैं, व्यापारी खरीद के अपने वहां रख लगा और फिर वो 10 महीने उसको महंगे रेट पे आम जनता को बेचता है। यही दलहन में, दालों में है,
दालों का उत्पादन क्यों कम हो रहा है? आवारा पशु इसकी बड़ी समस्या है। ठीक है, ठीक है, आप किसान से पूछ के करो ना कि कहाँ पे दालों की खेती होगी, उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। किसान से आप बातचीत करोगे नहीं, आप दिल्ली की चमकीली कोठी में बैठ के फैसले करोगे। आवारा पशुओं की समस्या राज्य सरकारों को यकीनन एड्रेस करना चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत जी ने जो बड़ी बातें कही, इनको इस बजट में आते हैं और आपको बजट की जो बड़ी बातें हैं वो बताते हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।